मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस एक समझदारी भरे कार्रवाई से चर्चे में आ गई है। एक मामले में आरोपी साधु को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जवानों को भक्त बनना पड़ा। श्रद्धालुओं के भेष में आए पुलिस कर्मियों ने साधु महाराज को माला पहनाई, पैर छुए और फिर धीरे से उनके कान में बोला कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ऐसा सुनते ही आरोपी साधु के पसीने छूट गए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित राम जानकी मंदिर आश्रम का है। साधु महाराज को गिरफ्तार करने वाली पुलिस मुरैना जिले की सिविल लाइन थाना पुलिस है। दरअसल साधु की गिरफ्तारी का मामला मुरैना के एक मंदिर की जमीन को लेकर हुई धोखाधड़ी से संबंधित है। मुरैना में सिविल लाइन थाना इलाके में तापसी गुफा मंदिर स्थित है। इस मंदिर से 6 बीघा से अधिक की जमीन भी लगी हुई है। मंदिर से लगी हुई जमीन पर दुकानें भी बनी हुई है। इन दुकानों के किराए को हड़पने के लिए इसी मंदिर पर रहने वाले साधु महाराज ने अपने एक अन्य सहयोगी दास बिहारी से मिलकर फर्जी ट्रस्ट बनाने की योजना तैयार की। इस योजना में साधु रामशरण ने जौरा खुर्द गांव के पूर्व सरपंच सुरेंद्र यादव और अशोक यादव को भी शामिल कर लिया। इन लोगों ने मिलकर एक फर्जी ट्रस्ट बना लिया और उसकी रसीद भी छपवा ली। इन्हीं रसीदों के माध्यम से मंदिर की जमीन पर बनी हुई दुकानों का किराया वसूलते थे। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।